वेलकम बैक टू माय चैनल। और अभी मैं हो चुकी हूँ नहा धोकर रेडी। और आज फाइनली मैंने इसका पजामा भी पहन लिया। मैं नाइट सूट से इसको डे सूट बना दिया और बढ़िया मॉइस्चराइजर कर लिया मैंने। और गाइस, जो मैंने पिंक कलर चैलेंज के बोला था ना, तो उससे मुझे याद आया कि अगर अपन को कुछ ड्रॉइंग करनी होगी ना, तो वो ये हो जाएगी। ये देखो, ये भी तो पिंक हैंडीक्राफ्ट है। थैंक यू सो मच जिसने भी मुझे ये पिंक कलर चेंज करने को बोला, क्योंकि अब मैं ना मैं सोच रही थी मैं नहाऊंगी कैसे, क्योंकि नहाने के लिए भी टावल चाहिए। तो मम्मा के पास पिंक टावल भी है, तो मैं मम्मा के टावल से नहा लूंगी। है ना मेरा मस्त आइडिया। वैसे तो मेरा वाइट टावल है, मेरा ऑरेंज टावल है, लेकिन पिंक नहीं है, तो वो पिंक चीज मम्मा के पास है। और गाइस, अभी जो छुट्टियाँ आएंगी ना थोड़ी देर के बीच में, मतलब अभी जो थोड़ी देर में बीच में आएगी, तो न्यू सेशन में जब मेरी परसेंटेज अच्छी बनेगी, तो उसके लिए मुझे बहुत सारी गिफ्ट्स चाहिए। अब इनमें तो दिमाग आता नहीं है बड़े लोगों में कि बच्चे को ये दिला दें, बच्चों को ही खुद को भूलना पड़ता है। तो मैंने बोल रखा है कि मुझे यूनिकॉर्न का ये चाहिए। और बाय द वे, मैंने यूनिकॉर्न का क्यूट सा मिरर देखा है, जिसमें मैं देख के थी यूनिकॉर्न को भी। और मैंने जो है ना दूसरी चीज़ देखी है, वो है ट्रॉली, और वो यूनिकॉर्न की ट्रॉली बैग है, उसके अंदर शॉर्पनर और इरेजर होता है, दोनों साइड से खुलता है वो। तीसरा मैंने देखी है डर्मा की सनस्क्रीन, जो कि बहुत अच्छी है, वो भी मुझे लेनी है। और साथ में मैंने क्यूट से ब्रश भी देखे, और ब्रश देख लिया मैंने, पता नहीं कैसे क्या सोच के बस देख लिए। और मैं जितना आपको बोल के बता रही हूँ ना, उतना देखने में ज़्यादा अच्छा लगेगा। भाई मेरे को खुद को बिलीव नहीं हो रहा, इतनी अच्छी चीज़ें मिलती हैं मेरे घर में, इतनी क्या नहीं तो नहा लो, लेकिन मेरे को अभी कुछ नहीं चाहिए, माय पेट इज फुल। फॉर योर हेल्दी स्किन, पहली बात तो आपको अपने गानों पे बार बार हाथ लगाना छोड़ना होगा, इससे डस्ट आती है, क्योंकि अपने जो चिक से वो ओनली मॉइस्चराइजर से भरा हुआ है, उसको हाथ से करने की कोई जरूरत नहीं। और लिप्स पे ये मत किया करो, ऐसा मत किया करो, दिस इज अ बैड हैबिट विच डूइंग योर स्किन गुड सो बैड। आई डोंट नो व्हाट्स माय इंग्लिश। बाय द वे, मैं आपको एक क्यूट सी चीज़ बताने वाली थी, जो कि मैंने अभी जस्ट देखी है। आपको ये कैसी लगी मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। अरे तो मुझे तो बहुत अच्छी लग रही है, बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल लग रही है इसमें। इट्स गुड और नॉट बट ये है मेरी चीज। और दूसरी मेरा पागल हुई। और हाँ, ये मैंने बिटीज की डायरी भी बनाई गाइस, इफ यू डोंट नो। और कोटी भरेंगे और बहुत सारे ब्रश कर दूंगी इसमें, और मैं इतने सारे पैसे उड़ाने वाले ना चाहिए था। ये मैं चेंज करूंगी अब इसकी जगह ना, मैंने अमेजोन पे एक पिंक कलर का बैग देखा था, वो भी लाऊंगी उस टाइम पर स्विच पर बना के ले जाऊँ। स्किन केयर मेकअप सब कुछ उसमें रखूँगी, ओके गाइस। बहुत ही बकवास लंच के लिए। गाइस, अभी हो चुके हैं डिनर, दिन के बज चुके 1:30, और अभी हम कर रहे हैं लंच। लंच में है दही और चपाती। वैसे जो सब्जी है ना, वो रियल सब्जी दिखाती हूँ, सब्जी है बैंगन की, दैट्स व्हाई मैं दही से रोटी खा रही हूँ। और यहाँ पे चलाते हैं अपना ध्रुव तारा मस्त। गाइस, अभी हो चुकी है शाम, और आज हमारा चाय पीने का मन तो था, लेकिन उसी के साथ साथ हमारा कुछ और खाने का भी मन था, तो हम 2 टाइप्स में कुछ और भी चीज ले आए हैं, तो मैं दिखाती हूँ। ये देखो, ये है फैन जो कि बहुत सारे लोग जानते होंगे, और ये है रिंग। क्या पूरे खाके दिखाई दीजिए क्या?
ऐसी चीजें मिल जाए ना, वो भी चाय के साथ, तो बहुत मजा आ जाए। और ये मैं मेरे लिए लाई थी, पर फिर भी मम्मा खा रही है इसको। इट्स फाइन। और गाइस है ना, अभी मैंने अपने फेस पे कुछ ऐड किया है, देख ही सकते हो आई शेडो। मैंने पिंक कलर का आई शेडो लगा दिया आज, पता नहीं क्यों, किस खुशी में। लेकिन आज है ना, मैंने अपनी आईज़ देखो बहुत ज़्यादा पिंकी करी है, पिंकी, और डार्क सर्कल्स भी हो रहे हैं ना मेरे, तो वो भी दिखेंगे। लेकिन गाइस कुछ भी को, ये चीज़ बहुत बढ़िया है। ₹30 में एक डब्बा मिल गया मुझे, चूस चूस के खा रही मैं। अभी हो चुकी है रात, और रात के बज चुके हैं ना, और अभी मेरे बाल देखो चुड़ैल की तरह हो रहे हैं, सुलझाए नहीं है, हाल ऐसे ही क्लेचर लगा रखा है, ढीला ढुल्ला। और अभी जो है मैं दिखाती हूँ डिनर। डिनर में मम्मा ने मेरे फेवरेट कढ़ी चावल बनाए मस्त मस्त, और ये देखो बताशे, इसके ऊपर हमने रील भी बनाई है, आप देख सकते हैं, देखो माय फेवरेट। मम्मा चम्मच हटा दो, चम्मच नहीं चाहिए। एक्चुअल में गाइस क्या होता है ना, एक्चुअल में गाइस क्या होता है, जो स्कूल होता है ना उसमें चम्मच से खा सकते हैं, लेकिन जो घर होता है ना, तो घर में तो हाथ से खाने में मजा आता है। हाँ खैर, कुछ लोग होते हैं जो कि जमीन पे बैठ के और फिर ही डाल डाल के खाते हैं, लेकिन मैं वैसे नहीं खाती, मैं टेबल पे आराम से बैठ के फिर हाथ से खाती हूँ, क्योंकि हाथ से जो वाइब आती है ना वो देसी आती है, मतलब देसी वाइब आती है। मम्मा यहाँ पे तीसरी कटोरी लेकर बैठ चुकी है। मम्मा ने पहले गुड़ के कढ़ी चावल खाए, और उसके बाद कढ़ी चावल खाई थोड़े से बैंगन डाल के, और हम सिंपल कढ़ी चावल खा रही है। और कढ़ी चावल खाने से पहले मैंने ऑरेंज खाए थोड़े से, और ये देखो। और गाइस एसएसटी की जो पढ़ाई की है ना मैंने, मैं क्या ही बताऊँ आपको, देखते हैं क्या होता है रिजल्ट का। और अभी 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 है ना, मैं आपको अमेजिंग एक अमेजिंग बात बताती हूँ। अभी क्या हुआ, मैं ना फैन खाने के बाद गाइस मेरा इतना मन हुआ, इतना मन हुआ क्या कि मेरा अभी भी मैंने फैन ही खाने का मन हो रहा है। मैं शाम से लेकर ये सोच रही हूँ, मम्मा से बोले जा रही हूँ, मम्मा पंखा ला दो, फैन ला दो, इतना ही मैंने बोल दिया। अभी मैं चुपचाप किचन में इधर आई, मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था कि वो फैन इस कबड़ में रखे। मैं मम्मा क्या है, मोस्टली जो भी जंक फूड होता है ना वो सब यहाँ पे रखती है, तो मैंने इसको खोला था अपनी, और मैंने डायरेक्ट अपने यूं ही अंदाजे से यूं ही आगे मैंने दोनों हाथ से पकड़ के यूं खोल दिए। भाई खोलते ही सामने दिख गए, लेकिन फिर भी मैं नहीं खाऊंगी, क्योंकि गाइस एक बार जो इंसान खा लेता है उसकी आदत लग जाती है, फिर उसको और मन होता है, और वो फिर और खाता है ना, तो फिर तो परमानेंट ही हो जाती है, इसलिए उसको अवॉइड करना चाहिए। कल एग्जाम देने जाएंगे तो उसका ब्रेकफास्ट तो वही है ना। गरम गरम रख लिया पैर पे, यहाँ पे रख लेते हैं। इस बार चावल में से अलग से खुशबू आ रही है, जब मैंने सूंघा था ना तब तो अच्छी लगी थी, अब पता नहीं कैसे लग रही है, अजीब सी। अच्छा ऐसा भी नहीं है यार, नीचे बैठ के खा ले, सोफे पे ले, नीचे बैठ के खाओ, सोफे पे लगा पे। यार मम्मी अभी मैंने ब्लॉग में बोला है, तो बोला नीचे बैठो। ओके गाइस, तो हम नीचे बैठ चुके हैं मस्त, वहां से उठ के इधर, बिकॉज सोफे पे फैलाई आज ही मैंने बहुत कुछ फैलाया, और बालों को भी पीछे कर, क्योंकि बाल भी लंबे होते हैं, खाने में बीच बीच में आते हैं। एंड विच पोजिशन में बैठी हो ना, मैं वो दिखाती हूँ, पोजीशन नहीं होता वो, पोजीशन होता है, ये देखो ऐसे बैठी हूँ ना, वैसे यहाँ से लेकर खाऊंगी, लेकिन बहुत गर्म है ये, इट्स रियली सो हॉट। और गाइस मेरे न्यू सेशन के लिए मैंने ना सभी को बोल दिया कि मेरे को क्या क्या चाहिए, और मीशो से मैंने बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें देख ली, वो जैसी मुझे एक बार मिल जाए ना एग्जाम के बाद, मैं ज़रूर आपको दिखाऊंगी, सारी अनबॉक्सिंग आपके सामने होगी। और वो सब पिंक कलर में, फॉरएवर पिंक कलर चैलेंज। यार ग्रीन कलर में तो मैं कुछ ऐसा मंगा नहीं सकती एक्चुअल में, देखते हैं मैनेज करते हैं, पिंक का तो ऑलमोस्ट हो चुका, बस डिनर बचा है, पिंक में क्या करूँ आप कमेंट्स में बताना प्लीज, आई कांट अंडरस्टैंड। लंच में अगर पापा को लगा कि पापा बाहर ले जा सकते हैं, उस वक्त पापा फ्री हो, तो हम लंच में बाहर पिंक पास्ता खा लेंगे, मैंने देखा है। किसी की कॉल आ रही है, तो मैं मिलती हूँ बाद में। गाइज अभी जो है बढ़िया एसएसटी की पढ़ाई कर ली है, और अभी बज चुके हैं 9:53, और अभी मैं छत पे जाने वाली हूँ। और मैं पहले बता दूँ कि मेरी आईज़ का जो आई शेडो था वो मिट चुका है, इट जस्ट रिमूव फ्रॉम माय आईज़, हाउ इट इज़ पॉसिबल, या तो मेरे हाथों पे मतलब मेरे मुंह पे पूरी हवा चली इसलिए। और गाइज अभी जो है मैंने अभी मस्त बढ़िया संतरे खा लिए हैं, मजा आ गया आज तो चलो गाइज, आई होप यू एंजॉय माय ब्लॉग, प्लीज सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर, और मिलते हैं जल्दी से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, और तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।
Thanks for watching guys, and check out my last video. Please subscribe and bye.